हेलो दोस्तों, आरके जी के क्रेजी टिप पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2 सितंबर 2022 के रेलवे ग्रुप डी में जीके से संबंधित जो भी क्वेश्चन आया है दोस्तों, उन पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करो आप और सब्सक्राइब करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? आज ये प्रथम पारी में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की। तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1863 में, 1972 में, 1969 में, 1965 में। तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी, बी इसका राइट आंसर है। आज ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोडियम का प्रतीक है? ऑप्शन ए एस, ऑप्शन बी एसओ, ऑप्शन सी एनए, ऑप्शन डी एसएन। तो सोडियम का प्रतीक एसएनए, सी इसका राइट आंसर है। आज ये प्रथम पारी में क्वेश्चन साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, कमला मुखर्जी, संतोष यादव, सुनीता विलियमसन। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी, ए इसका राइट आंसर है। अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आ रही थी तो इसकी मृत्यु हो गई थी अंतरिक्ष में ही, तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी अणु, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वह सबसे छोटा कण कौन सा है दोस्तों, जिसमें गुण विद्यमान हो? तो इसका राइट आंसर है ए, परमाणु में सभी तत्वों के गुण विद्यमान होते हैं, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1919। तो जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था जनरल डायर के द्वारा, 1500 के समथिंग लोगों की हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीएच मान होता है? नॉर्मल क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो मानव मूत्र से संबंध, मानव का मूत्र पीएच मान कितना है? तो इसका राइट आंसर है 6, ए इसका राइट आंसर है। आज ये रेलवे ग्रुप डी के प्रथम शिफ्ट 2 सितंबर को जो प्रथम पारी में पूछा गया है उन क्वेश्चनों पर हम देख रहे हैं, जीके से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। तो कंचनजंगा पर्वत चोटी सिक्किम में है, सी इसका राइट आंसर है। आज ये क्वेश्चन भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, 3 से 4 भूगोल से संबंधित क्वेश्चन रोज डेली हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और 4 से 5 पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन रोज पूछे जा रहे हैं, और इतिहास के भी 2 से 3 क्वेश्चन रोज डेली हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चढ़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? एक नृत्य आ रहा है हर शिफ्ट में, एक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, एक त्योहार से संबंधित। तो आप नृत्य व त्योहार से संबंधित क्वेश्चनों को देख के जाओ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको त्योहार व नृत्य की लिंक दे दूंगा, ट्रिक के माध्यम से मैं समझा रखा हूँ, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। तो चढ़ी नृत्य राजस्थान से संबंधित है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन ए रामगुप्त, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी भगवान दास। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु दोस्तों इसका राइट आंसर चाणक्य था। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी चंद्रगुप्त के द्वारा 321 ईस्वी पूर्व में की गई थी। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। और चाणक्य इसका प्रधानमंत्री भी था और राजनीतिक गुरु भी था। और चाणक्य के द्वारा ही अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की गई है। और अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो वह है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है बी, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसकी रचना की गई थी। और चाणक्य है चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु व प्रधानमंत्री था। तो इतिहास से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन रोज डेली हर शिफ्ट में आ रहे हैं। भूगोल के भी 2 से 3 और पॉलिटिकल साइंस के 4 से 5 डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट के द्वारा ही मैं चल रहा हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।